हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12th का और हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया था और मैंने बोला था कि इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आज वो स्पेशल क्वेश्चन का टाइम है। और आज जितने क्वेश्चन मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर आपको पढ़ाऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति पर, वो मेरा एक स्पेशल कलेक्शन है। इन प्रश्नों की सहायता से आप बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि बहुत यूनिक कलेक्शन है और बहुत ध्यान से इसको आप समझिए। तो चलिए एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट हमको सिद्ध करना है cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमको प्रूफ करना है। ये बहुत अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है और इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको बहुत से मिलेगा। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, पूरे फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में वहाँ से हमको फार्मूला यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रूफ करना हो तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये सपोज कॉपी कर लिया मैंने, अब ये सब फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से ये जो 1 प्लस साइन एक्स होता है, इस 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों के लिए। और ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स का फार्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये आपको 11th क्लास से फार्मूला पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा हमारा एक्स अपॉन 2 है। और साइन 2 थीटा का आपको फार्मूला पता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? तो उससे हम ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको अब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं अपन साइन एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमको फार्मूला है। ये फार्मूला वैसे हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो इस बेस पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया cot इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, और उसके बाद प्लस रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, उस फार्मूला की सहायता से। और सेम वर्क हम इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में भी कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। क्लियर? तो ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया, इसके लिए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का उस फॉर्म में, ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये भी आप समझते जाइए। देखिए, किसी क्वेश्चन को बनाना मतलब सीधा बिना कोई वजह के हम बना दिए, ऐसा नहीं। उसका आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ रूट लगा हुआ है, और रूट लगा है तो रूट हटाने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला पुटअप होगा जो स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सके। तो फार्मूला पर यदि आपका प्रॉपर अप्रोच है तो आइडिया आपको अपने आप आते जाएगा। दैट इक्वल cot इनवर्स, अब देखो ये स्क्वायर है ये रूट है तो हट जाएगा वो, और हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2
माइनस कास एक्स अपॉन टू, ये हो गया, इसका भी रूट हट गया, इसका भी रूट हट गया। इसी तरह नीचे क्या हो जाएगा, साइन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बस आपको फार्मूला प्रॉपर पता होना चाहिए। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स अपॉन टू और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कास एक्स अपॉन टू। अब आगे आप देखो इसमें कितने वैल्यूज कैंसल आउट हो जा रहे हैं, यहाँ पर कास एक्स अपॉन टू, कास एक्स अपॉन टू के साथ में कैंसल आउट हो गया, क्लियर। और नीचे में साइन एक्स अपॉन टू, साइन एक्स अपॉन टू के साथ में कैंसल आउट हो गया। आगे हम इसको सॉल्व करें, आगे हम सॉल्व करें तो नेचुरली आप देख रहे हो साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू, टू टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा, दैट इक्वल ये हो गया cot इनवर्स 2 साइन एक्स अपॉन टू और नीचे हो गया 2 cos एक्स अपॉन टू, दैट इक्वल टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया cot इनवर्स साइन अपॉन cos, ये हो जाएगा 10 एक्स अपॉन टू। अब इसको भी 10 को cot होना चाहिए तभी दोनों कैंसिल आउट होगा, तो अपने को पता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं cot पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन टू, इस तरह से। अब cot इनवर्स cot के साथ में कैंसिल होके वहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, एक मिनट अपने को क्या प्रूफ करना है, पाई बाई टू प्रूफ करना गड़बड़ है क्या इसमें, पाई बाई टू प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है इसमें, सॉरी ये क्वेश्चन हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चलिए मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, बुक में एक तरीका से दिया हुआ है इसीलिए मैं देख रहा था। चलिए तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैं इसको पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्रूफ करने के लिए लिख देता हूँ, पहले पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, यह सही है यह गलत नहीं, ऐसा भी प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है, और दैट इक्वल ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म बहुत होते हैं, ये हो गया, तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसके इक्वल टू सपोज इतना प्रूफ करना है तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को और क्या प्रूफ किया जा सकता है, दोनों सही है इसके लिए, ठीक है। चलिए हो गया, अब देखिए सपोज जैसे मैं अभी आपको बोला था क्वेश्चन को मैं पाई बाई टू लिखा था, एक्चुअल में इसको हम ओनली एक्स बाई टू भी प्रूफ कर सकते हैं, ये मैं इसी का सेकंड पैटर्न बता रहा हूँ, सपोज ये इसका सेकंड फॉर्म है, समझ लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया, पहले जो पाई बाई टू लिखा था वो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू होगा, अब मैं कर रहा हूँ इसको एक्स बाई टू। अब इसमें क्या चेंजेस लाया जा सकता है, थोड़ा ध्यान देना, चूँकि यहाँ पर यह होल स्क्वायर है, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, हम सिंपल एलजेब्रा से जानते हैं कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वह बी माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, मैं कई बार बता चुका आपको, क्योंकि एक्सपांड करेंगे तो दोनों सेम आता है। तो हम चाहें तो ये वाले पार्ट वाले फार्मूला को कास एक्स बाई टू, इसी में मैं सुधार के समझा रहा हूँ आपको, कास एक्स बाई टू और लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर भी यदि मैं इसको cos x by 2 और इसको sin x by 2 लिख दूँ तो गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका होल स्क्वायर और sin x by 2 माइनस का दोनों को होल स्क्वायर सेम आएगा, और प्लस में तो कोई चेंज होता ही नहीं, प्लस तो प्लस ही रहता है, प्लस में प्लस ही रहता है। ये बात ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है, दोनों को एक्सपांड करेंगे तो सेम आता है। तो अब आगे जब इसको अपन ओपन करेंगे तो ये हो गया cos x by 2, ये हो गया cos x बाई टू और ये हो जाएगा sin x बाई टू, यहाँ पर भी ये हो जाएगा cos x बाई टू और ये हो जाएगा sin x बाई टू। अब यहाँ पर कैसे चेंज आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हम cos को कैंसिल आउट कराए थे, जबकि अब कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, sin, sin sin के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे में देखो यहाँ पर ये जो cos है cos के साथ कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल पेयर बदल गए, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में अंश में क्या आ जाएगा,
cos x by 2 plus cos x by 2, मतलब ये हो गया 2 cos x by 2 और नीचे हो गया 2 sin x by 2। देखो कितना चेंज आ जाता है सिर्फ उसके आर्डर को चेंज किया तो मैं यहाँ जो प्रूफ किया था वो एक नया क्वेश्चन मान के चलो आपको ये, लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा कि मैं क्या रखूँगा तो क्या प्रूफ होगा, ठीक है। अब आगे आप देखो अब क्या हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कॉमन बात है दैट इक्वल, अब डायरेक्ट हो गया cot इनवर्स, cot यहाँ डायरेक्ट आ गया, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया cot x by 2 क्योंकि cos upon sin, और दैट इक्वल ये हो गया x by 2, ये भी क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके दो बात प्रूफ कर सकते हैं, यहीं पर मैं एक बार ये लिख दिया और एक और क्या प्रूफ किया हमने, हमने प्रूफ किया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज़ है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखना है, कब साइन एक्स बाई 2, ये बहुत खास बात है। तो ये क्वेश्चन को मैंने दो तरीके प्रूफ किया, एक ये, दोनों सही हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्लियर। तो ये है एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना, ठीक है। आज मैं जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहा हूँ सब इसी तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और जो हमेशा से एग्जाम में आते रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन का जो कंडीशन है, देखिए मैं आपको जो चार्ट दिया था, फार्मूला का जो चार्ट दिया था उसमें आपको याद है सब्स्टिट्यूशन का चार्ट दिया था, प्रतिस्थापन का कि किसके जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और फार्मूला दिया हुआ था, वो पूरा फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, इसी तरह का क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है। ये है टेन इन्वर्स, आप ध्यान रखते जाना, ये सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन का मैंने आपको चार्ट दिया था, ये ध्यान रखना, प्रतिस्थापन पर बेस्ड है, ठीक है। तो टेन इन्वर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, आप यही क्वेश्चन समझ लीजिए जो मैं आपको बताया हूँ अभी, लेकिन ये प्रतिस्थापन पर आधारित है, आपको यहाँ पर साइन कॉस नहीं दिया हुआ है, आपको उसको प्रतिस्थापित करना है जो चार्ट में बताया, पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि हम कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमको कोई त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, और इसका हमको गाइडलाइन कहाँ से मिलेगा, मेरे चार्ट से, जो चार्ट मैंने आपको दिया था, तो चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम एक्स का जगह में कॉस थीटा पुट करते हैं, और यहाँ पर ऐसे भी आपको यहाँ से गाइडलाइन मिलेगा कि राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स एक्स आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नाउ पुट, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लो और यहाँ पर लिखो नाउ पुट, पुट करते हैं क्या, एक्स इक्वल, देखो जब ये अंदर में रहे रूट के तो cos 2 थीटा अपने को पुट करना चाहिए, cos 2 थीटा मतलब x इक्वल टू हमने क्या पुट किया, cos 2 थीटा, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस x को लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो रूट ऑफ 1 प्लस कास 2 थीटा और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कास 2 थीटा, क्लियर यहाँ तक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप होता है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें एक्स के जगह में, यदि इसको आप प्रॉपर नहीं किए तो आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा।
दैट इक्वल, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखिए तो टेन इनवर्स 1 प्लस कास टू थीटा, 1 प्लस कास टू थीटा क्या होता है, ये फार्मूला आपको पता है, कास टू थीटा इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमको मालूम है। तो यदि मैं 1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 प्लस कास टू थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे रूट ऑफ 2 कास स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पुट अप हो जाएगा, और माइनस रूट ऑफ यहाँ पर देखो 1 माइनस कास टू थीटा, तो ये भी कास टू थीटा का फार्मूला है, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँ 1 माइनस, तो इधर आएगा तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला में जितना कमांड होगा उतने तेजी से क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, क्लियर। ये हो गया अपान, इसके होल अपान में ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस रूट ऑफ, यहाँ माइनस माइनस दोनों में, एक में प्लस माइनस होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर माइनस प्लस ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नीचे प्लस होगा, ऐसा तो कैंसल आउट हो जाएगा, वन हो जाएगा, नीचे प्लस हो गया ये, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर यहाँ तक। अब इसको आगे हम सॉल्व करें, आगे हम सिंप्लीफाई करें, तो इसको क्या हो जाएगा देखो, दैट इक्वल 10 इनवर्स, यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, और रूट टू दोनों में से कॉमन हो जाएगा, या चलिए रूट टू कॉमन करके, यहाँ से भी रूट टू, सब तो कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो आप समझ सकते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा अपन कास थीटा प्लस साइन थीटा, ये दैट इक्वल। अब आप यहाँ पर देखो, इसको हमको 10 के फॉर्म में बनाना है, तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से 10 इनवर्स ऊपर से कास और नीचे से कास में कॉमन करता हूँ, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यदि हम कास कॉमन करें तो कास थीटा कॉमन, नीचे से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, ये हो जाएगा दैट इक्वल 10 इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का, ये फार्मूला है। देखिए जो मैं फार्मूला बार बार हर स्टेप में कुछ नए फार्मूला लिख रहा हूँ, ये आपको तैयार होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, हर बार जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ हर क्वेश्चन में 10 बार यही बात रिपीट करता हूँ कि फार्मूला फार्मूला ओनली फार्मूला, फार्मूला यदि तैयार है तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप पर है, फटाफट करते चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या मिल गया अपने को, पाई बाई 4 माइनस थीटा दैट इक्वल, अब थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा कैसे निकलेगा, यदि हम इसको इन्वर्स बना दें तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इन्वर्स एक्स, देयर फोर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 कास इन्वर्स एक्स लिखा जा सकता है यहाँ से, तो उसका वैल्यू पुट करते हैं थीटा का यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 कास इन्वर्स एक्स, और यही देखो प्रूफ करना है अपने को, पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कास इन्वर्स एक्स दैट इज राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, देखिए एक बार ये क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो ये पैटर्न देख के समझ में आता है मेरे चार्ट से, यहाँ से भी पता चलता है कि मुझे क्या रखना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, सब्स्टिट्यूशन के बाद जो सब्स्टिट्यूट किया गया है वह किसका फार्मूला है, क्योंकि यदि आपको यह ना पता हो कि 1 प्लस कास टू थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, फिर आगे स्टेप आप नहीं कर पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको फार्मूला प्रॉपर फार्मूला यूज़ करना है। तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CBSE में क्वेश्चन तो कम से कम 6-7 बार पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली लेटेस्ट, तो ये हर बोर्ड में एग्जाम में आते रहता है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं IIT JEE या इवन कई बार NDA का इंक्वायरी आता है, तो NDA निकालना है आपको तो मैथमेटिक्स में आप ज़बरदस्त कमांड कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज वहाँ मैथमेटिक्स पर ही होता है, क्लियर। चलिए तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स का PDF प्रोवाइड नहीं कराऊंगा ना, उसका कोई मतलब नहीं, आपको समझा चुका हूँ।
फार्मूले बस दूंगा मैं आपको, बाकी सब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कि आपको पैटर्न समझ में आएगा, वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए और क्वेश्चन को बनाइए। और सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का सबसे ज़्यादा यूज़ आप करने वाले हो कैलकुलस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक पैटर्न है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ होता है, टेन इनवर्स 1/5, 1/7, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल अपने को प्रूफ करना है पाई बाई फोर। ये हमको प्रूफ करना है पाई बाई फोर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन है, मैं एक आध दो ही बता रहा हूँ आपको, बाकी सब क्वेश्चन एक जैसे ही बनाने हैं, सबका पैटर्न, बस आपको फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करना है। तो देखिए चार पेयर हैं यहाँ, दो चार हैं, दो दो का पेयर बना सकते हैं, इन दोनों का किसी का साथ किसी का पेयर बना सकते हो। और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, बाहर टेन इनवर्स ना, टेन इनवर्स ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को आप यहाँ पर अप्लाई कर दो तो डायरेक्ट हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं अपन, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में ओनली फार्मूला अप्लाई करना है केयरफुली। एक्स का वैल्यू 1/5 प्लस 1/7, वाई का वैल्यू 1/7 है ये दोनों में, और 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 उसी तरह उस पेयर में अप्लाई कर देते हैं तो प्लस ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, क्लियर, दैट इक्वल ये 10 इनवर्स, यहाँ पर देखो 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, यहाँ भी 35, दोनों कैल्शियम कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 प्लस 5 तो हो जाएगा 12, क्लियर। और अपान यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ 35 एलसीएम तो कैंसिल हो गया, 35 माइनस 1 मतलब 34, क्लियर, ये 34 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी इसी तरह सॉल्व करें 10 इनवर्स तो 24 एलसीएम, दोनों का लघुत्तम 24 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा ऊपर, और 24 में 1 तो हो जाएगा 23। यहाँ से अपन यहीं पर सिंप्लीफाई कर दें इसको तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 6 जा 2 17, क्लियर। अब आगे फिर हम क्या करेंगे, अब ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा y, तो इस फार्मूला को अपन अगेन अप्लाई कर देंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, आप जो भी टेक्स्ट बुक रखे होंगे 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है, टेन पर, साइन पर, कास पर, और सबका फार्मूला आपको रटा हुआ है। ये एक पैटर्न है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैं बहुत नंबर आप क्वेश्चन बहुत सारा बताने के बजाय अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। एक पैटर्न का एक क्वेश्चन बताया, आप समझ जाइए कैसा क्वेश्चन ऐसे बनाना है। तो फार्मूला बेस्ड है सीधा, और जो इजी क्वेश्चन है, अब अपन फिर 10 इनवर्स फार्मूला लगाएं तो एक्स का वैल्यू 6/17 यही, तो 6/17 प्लस ये हो जाएगा 11/23, ये हो गया अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, दैट इक्वल, इसको आप सॉल्व करिए तो 10 इनवर्स, दोनों कैल्शियम यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 18 हो गया, और ये 3 138 प्लस इसका ये, और 11 7 187, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आप देखो एलसीएम, दोनों कैल्शियम तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 20
लिख दिया 17 इंटू 23 और माइनस ये होगा 6 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई अभी कर लेता हूँ मैं, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर देखो 87 ये हो गया 5 और 2 325 अपन, ये मैं कैलकुलेटर से कर लूँ इसको, 391 माइनस 66 दैट इम्प्लाइज 10 इनवर्स 325, 391 माइनस 66 ये भी हो गया 325, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई फोर ये होगा राइट हैंड साइड, अपने को यही प्रूफ करना है पाई बाई फोर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है, आपको प्रॉपर फार्मूला पता होना, एक्स वाई का वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन बेस्ड है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये हमारा डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड पर क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको बता दूँ जो थोड़ा पैटर्न से हट के हैं, एक आध क्वेश्चन तो मैं ऐसा बताऊँगा जो रेयर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में आए तो जिस स्टूडेंट का स्पेशल प्रिपरेशन है, स्पेशल प्रैक्टिस है, वही बना पाएंगे। इस तरह से कुछ कलेक्शन है मेरे पास क्वेश्चन का जो रेयर ऑफ द रेयर है, ठीक है। इसमें से अपन एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन है क्वेश्चन अच्छा। इफ़ 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y + 10 इनवर्स z = π, इफ 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y + 10 इनवर्स z = π, ये हमको दिया है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट x + y + z = x (y)(z). ये बहुत अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, ऊपर वाला पोर्शन अपने को दिया है, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y + 10 इनवर्स z = π दिया है, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि x + y + z = x (y)(z). जो प्लस फॉर्म में है वह अपने इंटू फॉर्म में प्रूफ होना है, क्लियर। तो यहाँ पर अपने को प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, देखो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, लेट 10x, 10y और 10z को हम कोई एंगल मान लेते हैं, तो लेट 10x = α सपोज कर लिया, 10 इनवर्स x = α, देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x = लिख सकते हैं 10α। इसी तरह से 10 इनवर्स y = सपोज कर लिया बीटा, तो देयरफॉर y = क्या हो जाएगा, ये 10β हो जाएगा, एंड यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं 10 इनवर्स z = γ, देयरफॉर ये z = हो जाएगा 10γ, 10γ ये हो जाएगा। तो ये हमने तीनों को अलग अलग अल्फा बीटा गामा सपोज कर लिया, देयरफॉर तब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, और इसको लिख सकते हैं बीटा, और प्लस उसको लिख सकते हैं गामा, = हो जाएगा पाई। नेचुरली आप देख रहे होंगे ये ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = 180 डिग्री। बहुत अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन है और इस पैटर्न के बहुत से क्वेश्चन हैं, क्लियर। अब हम इसको देखें तो हमको 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगाना है, तो तीनों में से किसी एक एंगल को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इम्प्लाइज सपोज हम गामा को कर दिए तो अल्फा प्लस बीटा = π - γ। अब टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों तरफ का हम 10 लेते हैं, तो देयरफॉर दोनों तरफ का 10 लेने से क्वेश्चन हो जाएगा 10α + β = ये हो जाएगा 10π - γ।
दैट इम्प्लाइज, अब हम यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, दैट इक्वल ये टेन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहाँ टेन माइनस होता है तो हो जाएगा माइनस टेन गामा, ये फार्मूला होता है टेन 180 माइनस गामा का। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से हम सबका वैल्यू अब पुट अप कर देते हैं। देखो टेन अल्फा क्या है, एक्स है, अभी यह मैं निकाल के रखा हूँ, टेन अल्फा एक्स, टेन बीटा वाई और टेन गामा जेड, इनके वैल्यू पुट अप कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल ये हो जाएगा माइनस जेड, टेन गामा क्या है जेड है। दैट इम्प्लाइज इसको उधर ट्रांसफर करके हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड। दैट इम्प्लाइज जेड को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो जाएगा, तो ये एक पैटर्न हुआ जिसमें हमको जनरली ये क्वेश्चन टेन के फॉर्म के ही हैं, तो टेन वाले जितने इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आप सीधा कुछ मत करिए, टेन अल्फा टेन अल्फा बीटा गामा सपोज करिए, जो गिवन उसमें पुट करिए, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और नया क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रेयर क्वेश्चन है, और उसमें क्या खास बात है, पहले क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन परेशानी में डाल सकता है। यदि आपने स्पेशल उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसको बनाना बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो एक बार तो अपन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन में उसमें परेशानी और ख़ास बात क्या है। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ, ये क्वेश्चन है अपना 2 cos inverse 3 अपॉन रूट 13, 2 cos inverse 3 अपॉन रूट ऑफ 13 प्लस cos inverse 16 अपॉन 65, cos inverse 16 अपॉन 65 प्लस 1 अपॉन 2 cos inverse 1 अपॉन 2 cos inverse 7 अपॉन 25, और इक्वल हमको प्रूफ करना है पाई, इक्वल टू पाई, ये हमको प्रूफ करना है। अब क्यों ये क्वेश्चन खास है आप ध्यान दीजिए, आप सोचोगे कि सर हमको तो कॉस इनवर्स है इसका सबका फार्मूला पता है, हम यहाँ अप्लाई कर दें। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ध्यान देना, यहाँ कॉस इनवर्स का जो सामने का कोफिशियंट है 2 है, और हमको 2 cos inverse s का फार्मूला तो पता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फार्मूला को लिख भी दूँ आपके लिए, तो 2 cos inverse x का फार्मूला होता है cos inverse x into y माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, ये 2 cos inverse s का फार्मूला होता है, क्लियर। और कॉस इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला आपको पता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला को यदि हम कॉस इनवर्स एक्स बनाने चाहें तो ऐसा बनेगा, और कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो, इसके सामने कोफिशियंट 1 है, ये भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा। परेशानी यह है कि यहाँ पर 1/2 है, और ये 1/2 यहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक ये 1/2 यहाँ से रिमूव नहीं होगा तब तक आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1/2 के हटे बिना आप इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। तो ये क्वेश्चन रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है, आप बहुत से बुक पढ़ेंगे, आप
कई बुक को कंसल्ट करेंगे तो भी इस तरह का क्वेश्चन आपको शायद किसी राइटर में मिलेगा। तो मेरा स्पेशल कलेक्शन है ये, बहुत ध्यान से समझना। और ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो ये परेशान करेगा 1.2। तो हम इसको कैसे बनाएं भाई, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्योंकि कास इनवर्स एक फार्मूला हमको पता है वहाँ पर टू कास, लेकिन हमारे पास कोई 1/2 कास इनवर्स का फार्मूला नहीं है। ये 7/2 पाई नहीं, ये 7/25 है ना, सॉरी इसको मैं गलत लिख लिया, 7/25 ये है। तो इसको हम कैसे बनाएं, तो नेचुरली ये तो पता है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड तो पाई अपने को प्रूफ करना है। तो ध्यान से समझना, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और ये 2 cos inverse 3/√13 को हमने ये वाला फार्मूला लगाया, cos inverse वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा cos inverse xy, x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3/√13, क्लियर, तो हो जाएगा 3/√13 माइनस √13 ही है ना, या एक स्टेप बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी से लगाएं बाद में लगाएं, चले एक स्टेप बाद लगाएंगे उसमें फार्मूला, अभी जरूरी नहीं, अभी एक स्टेप बाद, मैं अभी से लेंदी नहीं कर रहा हूँ उसको, उसको वैसे ही रहने दो, जब जरूरत होगा वहाँ पर लगाएंगे। 2 cos inverse 3/√13 अभी से लगाऊंगा तो अननेसेसरी वो लेंदी होगा, अभी मैं अपना पूरा काम फोकस कर रहा हूँ ये वाले पोर्शन पर, ये ध्यान देना आप, बाकी को मैं वैसे ही अभी कॉपी कर रहा हूँ। प्लस cos इनवर्स 16/65 प्लस 1/2। अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, यदि हम इसको फार्मूला को हम उल्टा लगा रहे हैं, यदि मैं यहाँ पर 1/2 तो बाहर लिख दिया, यदि अंदर हम 2 डेवलप कर दें, फार्मूला को उल्टा लगा के यदि हम 2 वहाँ पर डेवलप कर दें तो 2 फिर इस 2 के साथ में 1/2 के साथ कैंसिल आउट होगा और 1/2 का जो प्रॉब्लम था रिमूव हो जाएगा। तो कैसे करें हम, ये अपने पास है अभी, ये है cos इनवर्स एक्स इस फॉर्म में है, यदि उसको मैं इस फॉर्म में ले आऊँ, यदि उस फॉर्म में ले आऊँ तो वहाँ 2 क्रिएट हो जाएगा और 2 क्रिएट होने के बाद क्या होगा, उसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे क्रिएट हो सकता है 2 वहाँ पर, देखिए उसको मैंने लिख दिया, देख उसको ध्यान से समझना, उसको हमने लिखा, देखिए 2 cos inverse (7/25) उसके साथ में 2 चाहिए, तो 2 × 7 = 16/25 इसको लिख दिया मैं 4/5 का होल स्क्वायर और -1। ये थोड़ा ध्यान से समझना आप, ये स्टेप को मैं एक बार और आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देखो, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2 cos inverse 2 × 16/25 -1। यदि हम इसको आगे साल्व करें, अभी 2 नहीं रह गए यहाँ पर ना, सॉरी ये 2 की जरूरत नहीं है, अभी मैं अभी सिर्फ cos inverse को इतना लिख रहा हूँ, अभी cos inverse को इतना मैं लिख सकता हूँ कि नहीं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर यदि हम इसका एलसीएम लें तो हो जाएगा cos inverse 25 एलसीएम आएगा, तो 16 × 2 ठीक है 32 -25/25 आएगा, क्लियर, और 32 में 25 माइनस होगा तो कितना होगा 7 होगा, तो ये हो गया cos inverse 7/25। इस काम को मैंने उल्टा किया है, मतलब cos इनवर्स 7/25 था इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा है ये वाला जो पोर्शन है, एक बार ये वाला पोर्शन को आप फोकस करना हो, ध्यान देना, ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअल में क्या है, वो 7/25 है, क्लियर आ गया आपको समझ में। ये एक एडजस्टमेंट है,
बहुत हाई लेवल के एडजस्टमेंट है, यदि ये ना करूं तो क्वेश्चन या तो नहीं बनेगा या बहुत लेंदी बनेगा। अब यहां पर आप देखो, एक बार मैं रिपीट करता हूं इस बात को आपको, ये जो एडजस्टमेंट है वो 7/25। अब आप सोचोगे कि सर आप ऐसा ही क्यों किए, तो ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या है कि यहां पर कॉस इनवर्स, देखो यदि मैं इसको लिखूं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 2x² - 1, तो कॉस इनवर्स 2x, ये हो गया 2, ये हो गया x, ये फार्मूला कॉस इनवर्स 2x², एक बार फार्मूला को मैं गलत लिख लिया लगता है, ये आएगा कॉस इनवर्स x के फॉर्म में, 2 कॉस इनवर्स x, ऊपर जो फार्मूला लिखा हूं मैं, क्या लिख दिया मैं भी, ये फार्मूला कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस, कभी कभी कुछ बताने के चक्कर में दिमाग में कुछ और आ जाता है ना, एक्स वाई, भाई ये सामने एक्स वाई यूज हुआ है, वो फार्मूला मैंने गलत लिख दिया था, एक बार करेक्ट करिए उसको, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू इतना होता है, और ये फार्मूला ऐसा होता है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू इतना होता है, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना फार्मूला, और लिस्ट में देख लेना फार्मूला में सब दिया था, हमको इतने सारे फार्मूला में कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू ये होता है, अभी आगे यूज करूंगा उसको, और 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू इतना होता है, क्लियर, या उल्टा कहें अपन तो 2 कॉस इनवर्स x इतना होता है तो इसके इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं, क्लियर हो गई बात। तो मैंने कॉस इनवर्स 7/25 को, कॉस इनवर्स 7/25 को इस फॉर्म में एडजस्टमेंट किया, अब इसका मैं इसके साथ में कंपेयर कर दूं, इसके साथ में कंपेयर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, तो कॉस इनवर्स यहां 2 है, ये मैंने 2 लिखा है, और यहां पर x का स्क्वायर है, तो हमारा किसका स्क्वायर है, 4/5 का स्क्वायर है, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये है, और -1 होता है तो -1 है, ये क्लियर आ गया समझ में, तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखें, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखो दैट इक्वल 2 कॉस इनवर्स 3/213 प्लस कॉस इनवर्स 16/65 प्लस 1/2, अब यह होता है 2 कॉस इनवर्स x, तो ये 2 क्रिएट हो गया हमारा 2, और x का वैल्यू मैंने क्या बताया 4/5, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स 4/5, ऐसा उसको लिखा जा सकता है। तो एक लाइन का एडजस्टमेंट है जो क्वेश्चन को बहुत छोटा कर दिया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझना कि 7/25 को हम किस तरह से लिखें और इसको फिर हम 2 कॉस इनवर्स x के फॉर्म में किस तरह से लिखें। अब आगे मैं बोला था यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाएंगे, दैट इक्वल 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू ऐसा होता है, तो अब उस तरफ से फार्मूला लगा रहा हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि इसके सामने 2 है। इस प्रॉब्लम का सबसे, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है इस क्वेश्चन की, कि ये अपना कोफिशियंट 2 रखा है और ये अपना कोफिशियंट 1/2 रखा है, तो यहाँ पर यह फार्मूला इस फॉर्म में लगेगा और यहाँ पर जो फार्मूला है वो इस फॉर्म में लगेगा, ये इस क्वेश्चन है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि रेयर क्वेश्चन है, रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है, बहुत यूनिक है ये। चलिए तो फार्मूला अपन लगाते हैं 2 कॉस इनवर्स x का, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x², तो 2x का वैल्यू क्या है यहाँ पर इतना, तो 9/13 और -1 और प्लस कॉस इनवर्स 16/65 प्लस, अब यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये 1/2 का, वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो उसके कैंसिल होने के बाद हमारा क्वेश्चन बन गया क्या, कॉस इनवर्स ये हो गया 4/5, क्लियर। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लें, तो दैट इक्वल कॉस इनवर्स यहाँ पर 18 - 13 मतलब 5/13 प्लस, अब इसको इसके पास मिला रहा हूँ मैं, कॉस इनवर्स 4/5, क्योंकि इन्हीं दोनों हम लगाएंगे
आप सोचोगे सर इसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू बढ़ा करके उसको मैं अलग कर रहा हूँ, उसके साथ भी लगा सकते थे। कॉस इनवर्स 16/65। अब ये फार्मूला तो मैं इरेज कर दूंगा, दोनों फार्मूला मैं यूज़ कर चुका, ये फार्मूला भी यूज़ करना है, चलिए उसको रहने देता हूँ। वो फार्मूला हमको भी यूज़ करना है जिसको मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, दैट इम्प्लाइज। अब ये फार्मूला यूज़ करें इन दोनों में, तो ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल। ये फार्मूला को आप अलग सेपरेट कर लेना, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई। तो x का वैल्यू है 5/13 इंटू वाई का वैल्यू है 4/5। 5/13, 4/5, 5/13 आएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर होगा 4/5, ठीक, 4/5 माइनस रूट ऑफ 1 - x² मीन्स 25/169 इंटू रूट ऑफ 1 - y² मतलब 16/25। और लास्ट स्टेप है हमारा cos इनवर्स 16/65। क्लियर, ये वैल्यू हमने पुट अप कर दिया पूरा, दैट इक्वल। अब यहाँ पर देखिए आप cos इनवर्स इसको हम सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, 5/5 तो हो जाएगा 4/13 माइनस, यहाँ पर देखिए, या इसको आप 65 ही रहने दो क्योंकि आगे एलसीएम आने वाले हैं इसके, तो मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करा रहा, कभी कभी कैंसिल आउट कराना भी मतलब का नहीं रहता, तो इसको 5 ही रहने दो, इसको भी 5 रहने दो, मत कैंसिल आउट कराओ। तो 20/65 माइनस, उसका आगे क्या फ़ायदा होगा आप देखना, 169 में 25 माइनस होगा 144 होगा, 145 का 12 का स्क्वायर है, ये हो गया 12/13 और ये हो गया 25 - 16 मतलब 9 माने 3/5 और प्लस cos इनवर्स 16/65 दैट इक्वल cos इनवर्स। अब यहाँ पर देखो, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कराया, दोनों का एलसीएम 65 है, ये हो गया 65 और यहाँ पर हो जाएगा 20 - 36 प्लस cos इनवर्स 16/65 दैट इक्वल, ये हो जाएगा cos इनवर्स -16/65 प्लस cos इनवर्स 16/65। अब एक फार्मूला आपको और पता होगा, cos इनवर्स माइनस एक्स फार्मूला, भाई अच्छे से आप लोग लर्न करो नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है π - cos इनवर्स थीटा, ये स्पेशल फार्मूला है, इसी में पाई क्रिएट हो जाता है, cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल होता है π - cos इनवर्स थीटा। ये फार्मूला हम यहाँ पर लगा दें तो यहाँ पर ये थीटा है, ये हो जाएगा π - cos इनवर्स 16/65 प्लस cos इनवर्स 16/65 दैट इक्वल। अब आप देख रहे होंगे ये cos इनवर्स 16/65 को कुछ नहीं करना पड़ा, इसके साथ ये पूरा कैंसिल हो गया और सिर्फ बच गया क्या अपने पास, ये पाई, ये हमको राइट हैंड साइड में पाई प्रूफ करना है, ये हो जाएगा प्रूफ। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है ये, इस पोर्शन में आपको समझना है कि हमको किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करना है। क्लियर, तो ध्यान देना यहाँ पर कैसे एडजस्टमेंट किया है, यदि आपको प्रॉब्लम हो तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिए कि किस तरह से मैंने 7/25 को ऐसा लिखा और इसको फिर फार्मूला के बेस पर ऐसा, या बगल में आप फार्मूला का रेफरेंस भी लिख लेना। क्लियर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए ये सब पैटर्न हो गया लगभग। अब एक नया चीज़ इसमें यह है, त्रिकोणमिति समीकरण हल करना है। तो जैसे आपने 11th क्लास में बहुत से त्रिकोणमिति समीकरण हल किया होगा, त्रिकोणमिति समीकरण हल करने के वहाँ 5-6 पैटर्न हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति समीकरण का हल करने का पैटर्न समझना है पूरा डिटेल में, तो 11th क्लास का जब मेरा
ट्रिग्नोमेट्री समीकरण का वीडियो डलेगा, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स में बस एकाध क्वेश्चन काफ़ी, क्योंकि इसमें उसकी वेराइटी नहीं है, केवल एक पैटर्न होता है सॉल्व करने का। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ कि समीकरण किस प्रकार से हल करते हैं और सभी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप सब समझ जाएंगे। टेन इन्वर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, टेन इन्वर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल वन अपॉन टू टेन इन्वर्स एक्स, वन अपॉन टू टेन इन्वर्स एक्स। त्रिकोणमिति समीकरण हल करने का मतलब है एक्स का मान ज्ञात करना। समीकरण हल करने का मतलब होता है जो वेरिएबल उसमें दिया है उसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसको हल करके इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों को हम एक साथ लेके सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेचुरली आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पैटर्न है जो बहुत आसान है। यहाँ पर ये इसका फार्मूला है, टेन इन्वर्स वन माइनस टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट टू टेन इन्वर्स एक्स। दोनों साइड को एक साथ लेते हैं, टेन इन्वर्स वन माइनस टेन इन्वर्स एक्स को हम फार्मूला के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं इन्वर्स के, ठीक है, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आपको याद है, टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई का फार्मूला है। अब इसमें क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स वन इक्वल टू, ये इसके साथ में जाके एड हो जाएगा और वो हो जाएगा थ्री अपॉन टू टेन इन्वर्स एक्स। दैट इम्प्लाइज अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू, इधर आके हो जाएगा टू अपॉन थ्री टेन इन्वर्स वन। क्लियर, टेन इन्वर्स वन को हम क्या ले सकते हैं, पाई बाई फोर। दैट इम्प्लाइज ये हो गया टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री इंटू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा टेन टू पाई, ये हो जाएगा टू टू जा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन पाई बाई सिक्स। टेन उधर ट्रांसफर किया, ये पाई बाई सिक्स हो गया। देयर फॉर एक्स इक्वल टू ये टेन पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री और उसका वैल्यू होता है वन अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा इसका आंसर एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। क्लियर, एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, तो एक्स का वैल्यू जैसे निकलेगा वो समीकरण आपका हल हो गया। तो जितना भी क्वेश्चन आपका होगा दोनों साइड को लोगे, दोनों साइड को लेने के बाद एक्स को एक साइड में लेफ्ट साइड में सेपरेट करोगे और राइट साइड में उसका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत आसान है और इसमें कुछ भी नहीं है, बोल नहीं फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरह से मैंने आज आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो स्पेशल कलेक्शन के क्वेश्चन थे वो आपको कराया। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैथमेटिक्स स्ट्रांग करने का जो सबसे बड़ा फंडा है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आपके पास जो भी बुक है उस बुक के क्वेश्चन का आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। तो कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरा फिर एक बार सजेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात मैं कई बार अपने हर वीडियो में रिपीट कर चुका, तो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।